बहुत बार हमारे साथ एक दिक्कत आती है कि हम एक पेज पढ़ रहे होते हैं और उस पेज को बार 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 पढ़े जाते हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि यार हमारे दिमाग में इन्फॉर्मेशन जा ही नहीं पा रही। हम इस पेज को बार बार पढ़ रहे हैं बट उसको याद नहीं कर पा रहे। जबकि आप देखते होंगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पेज को एक बार पढ़ते हैं और उस एक बार पढ़ते ही वो सारी चीजें याद कर लेते हैं। क्या उन बच्चों के पास एक सुपर नेचुरल पावर है कि वो बचपन से ही ऐसे होते हैं कि वो एक बार में एक पेज पूरा पढ़ लेते हैं और उनको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और मैं आज के समय पर बहुत सारे बच्चों को मेंटोर करता हूं जो कि इंडिया के टफेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि IIT, JEE और NEET। इन एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को मैं फ्री में गाइड और मेंटोर कर रहा हूं आज के समय पर। तो उस मेंटोरिंग से मुझे आज के समय पर बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। स्टूडेंट्स को डाउट्स क्या आते हैं, स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या आती है, और उनसे बात करके मुझे बहुत सारे सोल्यूशंस भी मिलते हैं। तो आज का टॉपिक है कि यार ऐसा हम क्या करें भैया जिससे कि हम चीज़ें बहुत जल्दी याद कर लें। बहुत स्टूडेंट आपने देखे होंगे अपनी क्लास के अंदर जो कि चीज़ यूं याद कर लेते हैं, एक बार पढ़ते हैं और वो कभी नहीं भूलते, और आप या फिर आपका कोई दोस्त बहुत जल्दी भूल रहा होगा। तो क्या वो बच्चों के पास सुपर नेचुरल पावर है क्या? कोई नहीं, उनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है। वो सिर्फ दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, पहला है हार्डवर्क, उनका हार्डवर्क, दूसरा है कुछ ऐसी टेक्निक्स जो कि शायद आपको नहीं पता और नोइंगली उनको भी नहीं पता, बट वो बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं, इस वजह से वो चीज़ें जल्दी याद कर पा रहे हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं साइकोलॉजिकली प्रूवन मेथड। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि यार ये कुछ ऐसे मेथड हैं जिनसे अगर आप ये सारी चीजें आप अपनी स्टडी में अप्लाई करोगे तो 100% गारंटेड आप चीजें जल्दी याद कर पाओगे। बट एक नेसेसरी कंडीशन है आपका हार्डवर्क। अगर आप वो स्टेप नंबर वन हार्डवर्क नहीं करते, इस वीडियो का कोई फायदा नहीं है, इस वीडियो से चले जाओ, लीव कर जाओ अगर आप हार्डवर्क करने को तैयार नहीं हो। बट अगर आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो तो ये वीडियो आपके लिए। तो स्ट्रेटजी नंबर वन, इसको मैं यार एक फन इवेंट से आपको समझाता हूँ, एक कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करके आपको समझाता हूँ, ठीक है? ये एक्टिविटी मैं अपने जितने भी सेमिनार्स में जाता हूँ, आज के समय पर मैं बहुत जगह सेमिनार ले रहा हूँ, तो उसमें मैं परफॉर्म करता हूँ और मेरे स्टूडेंट्स को पर्सनली जिनसे मैं बात करता हूँ उनको भी समझाता हूँ। देखो, एक एक्टिविटी करेंगे, अपना फोन नीचे रख दो सबसे पहले और अपने दोनों हैंड को फ्री छोड़ दो, ठीक है? सभी के सभी करेंगे मेरे साथ, दोनों हैंड को फ्री छोड़ दो। अब इस राइट हैंड को ऊपर करेंगे, राइट हैंड को ऊपर करो, इस राइट हैंड को फटाफट से ऊपर करो और इस राइट हैंड को मेरी तरफ देखना और मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या करना? देखना और सुनना। इस राइट हैंड को अपनी चिन पे टच करो, इस राइट हैंड को अपनी चिन पे टच करो मुझे देखकर। अब बहुत सारे आप में से स्टूडेंट होंगे, एटलीस्ट 80% लोगों ने यहीं पर ही हाथ रखा होगा, जबकि मैंने आपको बोला कि चिन टच करो और आपकी चिन होती यहां पर। आप लोगों ने यहां पर हाथ क्यों रखा, क्या आप सोच पा रहे हो? आप लोगों ने इसलिए हाथ रखा क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि यही है चिन्ह भाई, देख। और ये कहलाती है पूरी तरीके से पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जो मैं आपको दिखाऊंगा वो आप परफॉर्म करोगे, इसलिए आपकी विजुअल मेमोरी, जो ब्रेन की विजुअल मेमोरी है, वो ज्यादा खतरनाक होती है। इसलिए हमें आज से विजुअलाइजेशन के थ्रू पढ़ना है। पर भैया कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा सा डीपली समझाओ, इसे समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, IIT JEE NEET प्रिपरेशन कर रहे हो, UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये ट्रिक आपकी लाइफ बदल सकती है, ध्यान से। एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे कि आज के समय पर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं बच्चों को, तो फिजिक्स के एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, जैसे ही आपने कोई क्वेश्चन देखा, जैसे ही आपने कोई कॉन्सेप्ट देखा कि मैंने एक कॉन्सेप्ट ले लिया, आप इमेजिन कर लो कि एक स्लोप गिवन है, एक टायर मैंने ऊपर रख दिया और मैंने बोला कि ये टायर नीचे घूम के नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी बता, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पूरा विजुलाइज कर लेना है। हाँ, एक स्लोप है, एक टायर है, वो घूम के नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। उससे आपके माइंड में क्लिक होगा कि एक तो रोटेट कर रहा है ये और ये नीचे भी मोशन कर रहा है, तो ऐसे आपकी चीजें आधी क्लियर हो जाएंगी। सिमिलर आप कर सकते हो अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, बायोलॉजी, किसी के साथ भी। जैसे कि मान के चलो आप हिस्ट्री की किताब पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा कि मुगल एम्पायर ये था, ब्रिटिश एम्पायर ये था, तो एक स्टोरी फॉर्म कर लो कि पहले ब्रिटिश आए, उन्होंने ये करा, उन्होंने यहाँ से ये करा, यहाँ से ये करा, इतने साल राज करा, और जो भी चीज़ें आपकी बुक्स में उसको एक स्टोरी बना लो और अपने ब्रेन के अंदर इमेजिनेशन बना लो कि हाँ यार मुगल आए थे, फिर ब्रिटिशर आए, उन्होंने ये करा, उन्होंने ये करा, फिर हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्या करा, ऐसी एक लाइनअप बना लो। उससे आपको चीजें याद करने में इतनी आसानी होगी, ट्रस्ट मी। अगर आपको कुछ करना है ना एजुकेशन की लाइन में, अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, अगर आपको 10-12 के अंदर 95% फोड़नी है, तो विजुअलाइजेशन इज द की। कुछ सालों के अंदर जो बच्चा रट रहा है, जो अभी के टाइम पर क्रैमिंग करता है, किताब खोलकर बस रटता जाता है, उसका भविष्य कुछ नहीं होगा, ये मैं आज बता रहा हूँ, लिख कर ले लो। जीतेगा सिर्फ वही
जो बातों को विजुलाइज करेगा, जो कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करेगा, ना कि रटेगा। और ये पक्का रेवोल्यूशन आएगा एजुकेशन के अंदर 1 से 2 साल के अंदर, इसलिए अभी बता रहा हूं विजुलाइज करना स्टार्ट कर दो। रटने से काम नहीं बनेगा, चीजों को विजुलाइज करो, ये इस कॉन्सेप्ट से विजुलाइज करो, हिस्ट्री को स्टोरी फॉर्म में विजुलाइज करो, बायोलॉजी को स्टोरी फॉर्म में विजुलाइज करो, हर एक चीज को स्टोरी बनाओ और फिर देखो कितनी जल्दी याद होता है। अब बढ़ते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 2 की तरफ। तो देखो, क्या आप वो स्टूडेंट हो जो कि जब भी आपको कोई दोस्त आता है आपसे पूछने के लिए कि यार ये वाला क्वेश्चन मेरे को समझा दे, मुझे समझ नहीं आया, तो आपको ऐसा लगता होगा ना कि यार मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं इसके ऊपर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने दोस्तों को कभी भी पढ़ाते नहीं है और चीजें समझाते नहीं है, जबकि वो ये ना करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आज आपको ऐसा लग रहा है कि आप अगर अपने दोस्त को एक क्वेश्चन समझाओगे 10-15 मिनट खराब करोगे, बट वो 10-15 मिनट आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। पता है कैसे? तब भी आप किसी को कोई चीज समझाते हो ना, तो उसमें आप ही का ही रिवीजन होता है और आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है, क्योंकि चीज को पढ़ाने के लिए, कोई भी कॉन्सेप्ट को किसी और को पढ़ाने के लिए आपको उसकी डेप्थ तक नॉलेज होनी चाहिए, और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या इस कॉन्सेप्ट की, इस चैप्टर की पूरी नॉलेज है या फिर नहीं है। तो इसलिए यार अब किसी भी दोस्त को मना मत करना, जब भी वो आए कि यार ये क्वेश्चन बता दे तो बता दो, आप ही का वाला है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे आज के समय पर जो कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बोलते हैं भैया हमारे दोस्त ही नहीं, हम क्या करें, हम किसको समझाएं। तो आपके खुद के दोस्त आप हो, खुद को समझाओ ना। कैसे समझाएंगे भैया खुद को? देखो, जैसे कि किताब खोली आपने और एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक लाइन पढ़ी, जैसे कि मैथ का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये आपकी नोटबुक थी, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, आपने क्या करा कि उस मैथ का जो प्रॉब्लम था उसका पूरा आपने सोल्यूशन निकाल दिया, यहाँ तक आपने पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको चीजों को खुद को समझाना है। कैसे? आप फिर से क्वेश्चन देखोगे और आप अपने दिमाग में चीजों को चलाओगे कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाई, डिफरेंशिएशन लगाया, इंटीग्रेशन लगाया, या फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाई, जो भी कॉन्सेप्ट आपने लगाया, आप देखोगे कि हाँ यार ये चीजें मैंने करी, इसके बाद मैंने उसका स्क्वायर रूट करा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लगाकर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इस अकॉर्डिंग आप खुद को पढ़ा सकते हो, एंड दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू लर्न एनीथिंग। कुछ भी अगर आपको याद करना है, या तो अपने दोस्त को पढ़ा दो या तो खुद ऐसे पढ़ लो। अगर आपने ये कर लिया, गारंटी से बता रहा हूँ, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी चैप्टर हो, आप नहीं भूलने वाले। एटलीस्ट 14 दिन के आपके दिमाग के सेल्स के अंदर वो स्टोर हो जाएगा। अब थर्ड स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, और उसको मैं एक स्टोरी से समझाऊंगा। बट उससे पहले यार मैं आपको उससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। यार आप सभी को पता ही होगा कि आज के टाइम पर कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए इंग्लिश बोलना आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो स्टूडेंट हो यार जो कि इंग्लिश समझ लेते हो, इंग्लिश लिख लेते हो, बट इंग्लिश उतनी अच्छी तरीके से बोल नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आप सभी को यार मैं बहुत शानदार ऐप सजेस्ट करना चाहूंगा। उस ऐप का नाम है कैम्बली। कैम्बली इंडिया का नंबर 1 1-to-1 पर्सनल ट्यूटोरिंग ऐप है। इससे आप डायरेक्टली अपने ट्यूटर से कनेक्ट हो सकते हो, जो कि होगा फ्रॉम यूके, यूएस और भी बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज से। अब इस ऐप की खास बात यह है ना कि इसके अंदर बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे कि यार पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, बिजनेस इंग्लिश हो गया, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, किसी के अंदर भी आप इनरोल कर सकते हो। और यहाँ के जो ट्यूटर हैं वो सभी के सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी मदद करेंगे विदाउट एनी जजमेंट, आपको जज नहीं करेंगे, आपको गाइड करेंगे और आपको इंग्लिश बोलने में बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करने वाले हैं। और इस ऐप के अंदर आपको 15 मिनट्स का ट्रायल मिल सकता है, जो कि मात्र कॉस्ट करता है आपको 99 रुपीज। बट एक कोड जो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, अगर आप उस कोड को लगाओगे तो उस 99 को भी कट ऑफ करके प्राइस हो जाएगा मात्र 29 रुपीज। ये जो ऑफर है सिर्फ 1 महीने के लिए वैलिड है, तो अभी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इनरोल कर सकते हो। और ये जो डेमो क्लास है इसमें तो जल्दी से जल्दी इनरोल कर लो और एक बार ट्राई करो और उससे चीजें सीखो। अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 3, और उसको मैं स्टोरी से समझाता हूँ आपको। स्टोरी बहुत शानदार है और शायद आपकी लाइफ बदल दे। देखो, दो लोग थे, दोस्त नहीं थे, एक दूसरे के अननोन थे। दोनों एक फ्लाइट के अंदर जा रहे थे, जैसे कि मान लो एक मैं हूं और एक साइड में कोई है, मैं उसको नहीं जानता। तो हुआ क्या ना कि यार दो लोग थे और दोनों अगल बगल में बैठे हुए थे फ्लाइट के अंदर। फ्लाइट कहां से थी? दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट थी। कहां से? दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट थी। तो दिल्ली से मुंबई, दिल्ली में दोनों लोग बैठे, तो एक दोस्त ने पूछा, दोस्त नहीं कहेंगे, एक आदमी ने पूछा दूसरे आदमी से कि भाई टाइम क्या हुआ है, एक बार टाइम बताना। तो दूसरे आदमी ने बोला मैं नहीं बताऊंगा। तो वो शौक, क्यों तेरे पास घड़ी नहीं है क्या भाई? तो उसने कहा घड़ी तो है बट मैं नहीं बताऊंगा। वो आदमी सोच में पड़ गया कि यार क्या पागल आदमी है, टाइम नहीं बता रहा। उसने पूछा क्यों नहीं बताओगे भाई? तो उसने जो आंसर दिया वो सुन के आप सब हंसने लग जाओगे। उसने बोला कि आज अगर मैंने तुझे टाइम बताया
तो तू बोलेगा कि कहाँ जा रहे हो, फिर मैं बोलूंगा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, फिर तू बोलेगा कि मैं भी मुंबई जा रहा हूँ, फिर तू पूछेगा कि आप कहाँ रहते हो, फिर मैं बताऊंगा कि मैं वहाँ रहता हूँ, फिर तेरा कोई रिलेटिव भी वहाँ रहता होगा, उसके बाद तू बोलेगा कि यार हम तो कुछ रिलेशन में लगते हैं, हम दूर के रिश्तेदार हैं, उसके बाद तू मुझे अपने घर पे चाय पिलाने के लिए बुलाएगा, उसके बाद मुझे भी तुझे अपने घर पे चाय पिलाने के लिए बुलाना पड़ेगा, उसके बाद कभी भी तुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो तू मुझे कॉल करेगा, और मैं तेरी प्रॉब्लम में ऐसे आना नहीं चाहता। सुन के हंसी आ रही है कि भाई क्या आदमी है, इतना फ्यूचर का कौन सोचता है, प्रेजेंट में रह लेना भाई, इतना फ्यूचर का क्यों सोच रहा है। बट अगर मैं आपसे ये कहूँ, ये जो आदमी की स्टोरी बताई, ये इंसान तुम हो, हाँ तुम सब जो ये वीडियो देख रहे हो, भैया ये क्या बोल रहे हो यार, बिल्कुल दिमाग घुमा दिया आपने, थोड़ा समझाओ, एग्जांपल से समझाता हूँ। क्या आप लोग ये नहीं कहते कि भैया अगर मेरा आईआईटी क्लियर नहीं हुआ तो, भैया अगर मेरा एम्स में एडमिशन नहीं हुआ तो मेरी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, भैया मैं तो सुसाइड कर लूंगा, भैया अगर मेरी 10th 12th के अंदर 95% नहीं आई तो क्या करूंगा भैया मैं, या अगर अगले टेस्ट के अंदर मैं रैंक टॉप 10 के अंदर नहीं ला पाया या फिर अपनी क्लास के अंदर टॉप नहीं कर पाया तो क्या करूंगा भैया मैं, मेरी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्या आप लोग ये सब नहीं बोलते। और ये तो हो गई फ्यूचर में रहने की बात, कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे, कॉपी उठाओगे, नोटबुक उठाओगे, अपनी पढ़ोगे, थोड़ी देर बाद दिमाग चलने लगेगा कि यार कोचिंग में मेरे स्कूल के अंदर उसने मेरे से आज ये क्यों कहा, आखिर उसने मेरे से लाइन क्यों कही, उसको ऐसा तो मुझसे नहीं बोलना चाहिए था, उनका मुझे पास मैसेज क्यों नहीं आया, अभी तक तो मैसेज आ जाना चाहिए था, मेरे उस रिलेटिव ने मुझसे ऐसा क्यों कह दिया। ये क्या बात हुई पास्ट में रहने की, पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया फ्यूचर में रहने की, मैंने आपको एग्जांपल दिया पास्ट में रहने की। वो इंसान तुम ही हो मेरे दोस्त जो कि बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अब बात सुनना मेरे ध्यान से, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें प्रेजेंट में रहना है भाई, फ्यूचर में रहना छोड़ो, पास्ट में रहना छोड़ो, जो हो गया तो हो गया और जो फ्यूचर में होगा वो देखा जाएगा। वो जो तू सपना देखता है ना, वो जो तू दिन रात वीडियो देखता है, आईआईटी में जाएंगे, आईआईटी के इस कैंटीन का ये समोसा खाना है भैया तो मुझे, अरे खा लेना समोसा, बट उस समोसे को खाने के लिए तुझे 1-2 साल अभी रगड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तू तो अपने सपनों में जी रहा है कि आईआईटी में जाएंगे, ये करेंगे, अरे उसके लिए मेहनत कर, प्रेजेंट में जी। तो हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 3 है लिव इन प्रेजेंट, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। भूल जाओ तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ था, तुमने पास्ट में बहुत गलतियां करी होंगी, आज के समय पर तुमने अपनी 10th 11th बहुत सारी क्लासेस खराब कर ली होंगी, या फिर तुमने कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं निकाला होगा, तो वो तुम्हारे फ्यूचर का कोई रिलेशन नहीं है तुम्हारे पास्ट से। सबसे पहली ये चीज दिमाग में डाल लो। और दूसरी चीज, तो तुम्हारे फ्यूचर में होगा उसके डर से आज क्यों रुक जाते हो तुम, अभी से डर रहे हो कि भैया 2 महीने बाद एग्जाम है, वो क्लियर नहीं हो पाया तो क्या करूंगा, अरे भाई वो सब छोड़, तू आज पे काम कर, तू आज तो मेहनत कर, तू आज तो बेस्ट दे, अगर तूने आज बेस्ट दिया फ्यूचर तेरा सिक्योर रहने वाला। तो ये थी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप कि लिव इन प्रेजेंट, आज में जियो, कल की छोड़ो और पास्ट की तो सोच नहीं। आज तुम्हें कोई भी चैलेंज नहीं दूंगा, जैसा कि मैं हमेशा 15 दिन 7 दिन 21 दिन का कोई चैलेंज देता हूँ, आज मैं कोई चैलेंज नहीं दे रहा, बट आज ये तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है कि तुम खुद से कमेंट में लिखोगे कि हाँ भैया हम ये चीजें फॉलो करने वाले हैं। ये तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है, मैं कोई चैलेंज नहीं दे रहा हूँ, ये तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। और अगर तुम कोई वो स्टूडेंट हो जो मेरी पास्ट वाली जितनी भी मैंने वीडियोस निकाली है, 21 दिन का चैलेंज, 15 दिन के चैलेंज से अगर आपकी मदद हो पाई तो एक कमेंट जरूर छोड़ना, ताकि हम और लोगों की मदद कर पाएं और लोग यकीन कर पाए कि हाँ यार ये चीजें वर्क करती हैं, इन चीजों से लाखों बच्चे आज के समय पर फायदा उठा रहे हैं। ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, मेरी पूरी टीम का एक ही मोटिव है कि हम स्टूडेंट की मदद कर पाएं, जो यूथ है ना उस यूथ को चैनलाइज कर पाएं, कहां पर एजुकेशन की तरफ, उनकी ग्रोथ की तरफ, तो हमारा ये काम है और इसमें हमने बिल्कुल पूरी मेहनत से हमने इसमें जुट चुके हैं हम, और अब पीछे नहीं हटना है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो तुम्हें क्या करना है, बार बार बोलने की मुझे जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब ना भी करोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, बट अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, एक अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, उतना मेरे लिए इनफ है। सब्सक्राइब करो ना करो वो तुम्हारी मर्जी है, बट एक दोस्त के साथ शेयर करो, क्योंकि यूथ तक ये सारी वीडियो पहुंचा दो। एवरीवन टेक केयर, लव यू ऑल, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर।